क्रिसमस का मतलब पता है आपको? हम आज का दिन क्यों मनाते हैं? बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह के जन्म का तारीख नहीं लिखी हुई है, क्योंकि क्रिसमस लेकिन मनाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह जन्म हुए थे, उनका जन्म हुआ था। हालेलुया। हम लोग अपना जन्म जो है वो साल में एक बार मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि यीशु मसीह रोज हमारे दिल में नया है। हालेलुया। इसलिए हम सिर्फ यहीं रुक नहीं सकते कि साहब एक साल में पैदा हुआ था। हम रोज यीशु मसीह को अपने दिल में नया पाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसके जन्म की बात नहीं है, यीशु मसीह सक्षम है और यीशु मसीह सही है, सच्चा है। ये जो जन्म है उसका पूरे संसार के लिए उद्धार का कारण है। ये जन्म यूं ही नहीं हुआ। परमेश्वर मानव रूप लेकर धरती पर क्यों आया? ताकि वो बता सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्यों आया यीशु मसीह? ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। मत्ती 1 का 23 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 1:23। अगर जिनके पास बाइबल है, बाइबल खोलिए, आपको पता चलेगा परमेश्वर क्यों आया। जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने आकाश और धरती, जिस आकाश के नीचे हम चलते हैं और जिस धरती के ऊपर हम चलते हैं, वो किसने रचा है? परमेश्वर ने। तो यीशु मसीह बताने आया है, वही स्वरूप, वही प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप लेकर यीशु धरती पर आया। और ये बताने की आया है कि आप अकेले नहीं हैं। हम लोग बहुत बार अकेले महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कौन है हमारा, हम जिसके संग रहते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करते। क्या मेरा पिता मेरा साथ देगा? क्या मेरी माता मेरे साथ देगी? क्या मेरा पैसा मेरा साथ देगा? क्या मेरी नौकरी मेरा साथ देगी? क्या मेरा धंधा मेरा साथ देगा? हम विश्वास नहीं करते, हम मजबूत नहीं है अंदर से। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर धरती पर उसने ये बताया, बताने आया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाइबल कहती है कि मां तेरा साथ छोड़ सकती है जिसने तुझे पैदा किया है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। यीशु मसीह वो प्रभु है, यीशु मसीह वो है। हालेलुया। जब वो पैदा हुआ तो उसने एक भविष्यवाणी की थी, और जो भविष्यवाणी 700 साल पहले हुई थी वो भविष्यवाणी 2023 साल पहले पूरी हुई। और जब पैदा हुआ तो ये वचन आया, मत्ती 1:23 पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए परमेश्वर जब अपना काम करता है तो वो काम बताता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, आगे बढ़िए बेटा, और एक पुत्र जनेगी। हाँ। और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका हाँ? अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी करता हुआ स्वर्गदूत आया कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई दुविधा, कोई विपत्ति आपको सता सकती है? कोई भी चट्टान आपका रास्ता रोक सकता है? कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है? क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हम किसकी सेवा करते हैं जो जीवित है? हम उसकी सेवा करते हैं जो जीवित है और वह हमारे साथ है। आमेन। और परमेश्वर कहता है कि इस बात को अपने अंदर रख ले, इस बात को मान ले कि परमेश्वर तेरे साथ है। आमेन। इसलिए कुमारी गर्भवती होगी। क्यों कुमारी गर्भवती होगी? आपको पता है यीशु मसीह आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। यीशु मसीह आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ। मरियम जो कि कुमारी थी,
उसके ऊपर पवित्र आत्मा आच्छादित हुआ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह मरियम की कोख में आया और उस कुंवारी ने जन्म दिया। क्यों जन्म दिया आपको पता है? क्यों कुंवारी के अंदर से जन्म हुआ? हम सब जितने भी जन्म हमने लिया है, हम सब में पाप था, क्योंकि आदम ने पाप किया था और आदम के वंश से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो पाप का अंश हमारे अंदर, जितने भी मानव जाति में बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर पाप का लहू है। कोई बिना पाप के नहीं है। अभी आप कहेंगे पास्टर, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा पाप कैसे कर सकता है? मैंने हमेशा उदाहरण दिया, आज भी देता हूं, कि अगर एक माँ अपने 5 महीने के बच्चे को लेकर अपनी दूसरी सहेली के पास जाती है और उसका भी 5 महीने का 4 महीने का बच्चा है और उस सहेली से मिलने के लिए जाती है और उसका बच्चा रो रहा है, तो क्या देखती है माँ? कि उस बच्चे को, अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटा देती है और उसके बच्चे को उठा लेती है। जैसे ही उसके बच्चे को उठाती है, उसका बच्चा जो चुप था वो रोने लगता है। होता है कि नहीं होता है? वो रोने लगता है क्योंकि उसकी मां ने किसी दूसरे बच्चे को उठा लिया है। ये क्या है? ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? जेलेसी को, कि मेरी मां ने दूसरे बच्चे को उठा लिया है। जलन को पैदा करता है। जलन क्या है? जलन क्या है? जलन क्या है? यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आदमी औरत के संबंध से पैदा होने वाला बच्चा पाप में है। इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ। यूसुफ जो उसका पति होने वाला था, उसके संभोग से पैदा नहीं हुआ, उसकी सहभागिता से पैदा नहीं हुआ। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र है। इसीलिए यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र को धरती पर प्रस्तुत करता है। यूहन्ना 3:16 देखिए, यूहन्ना 3:16 क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कि पवित्र है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की योजना के साथ है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि हमारे पापों से हमें मुक्त कर, प्रभु हमें शुद्ध कर, क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर कौन है? महापवित्र है। हालेलुया। हम उससे नहीं मिल सकते। अगर हम पापी हैं तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, याद रखिए। इसीलिए मनुष्य के रूप में परमेश्वर यीशु के रूप में धरती पर आया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया ताकि उसके अंदर कोई पाप ना हो। और जब हम यीशु मसीह के पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए उसके सामने जाते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर कि मैं पापी हूं और मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने पाप से गुनाह आपके अपने पाप से मुक्त होना चाहता हूं। जिस दिन हम ये प्रार्थना करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, उसी पल यीशु मसीह आपको आपके पापों से मुक्त कर देता है। उसी पल आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और बाइबल कहती है कि क्रूस पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, क्रूस पर उसने सजा क्यों भोगी? उसने मृत्यु क्यों ली? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए ली। हालेलुया। क्योंकि हमने पाप किए थे इसलिए वो हमारे पापों के लिए मरा और फिर हमें धर्मी ठहराने के लिए जिंदा हो गया। आज जिन्होंने यीशु मसीह को पाया हुआ है वो पापों से मुक्त है, शापों से मुक्त है और वो सब धर्मी हैं। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि हम पाप रहित, पाप मैं संसार में पाप रहित जीवन जी रहे हैं। ये हमारी योग्यता है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमने नहीं पाई है, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमें शुद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह।
हमें पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमें स्वर्ग के योग्य बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेरे भाई मेरी बहन, हम अपने आप अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे हम कितनी मेहनत कर लें, चाहे हम कितनी अगरबत्तियां लगा लें, चाहे हम यहां से वहां तक 10,000 किलोमीटर चल लें, हम अपने आप पापों से मुक्त नहीं हो सकते। पापों से मुक्त करने के लिए उसके पास सामर्थ्य, सिर्फ वही हमें पापों से मुक्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके कर्म से, आप अपने कामों से पापों से मुक्त हो सकते हैं, अब दाऊद वहां बैठा हुआ है, हजारों का खून उसके ऊपर है, अगर वो 1,000 आदमियों को रोज खाना खिलाना शुरू कर देगा तो क्या पाप से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। क्या देश का कानून उसे माफ करेगा कि नहीं सर अब तो मैंने 1,000 लोगों को रोज खाना खिला रहा हूं, देश का कानून माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। हालेलुया। इसी तरीके से वचन कहता है, जब आप प्रभु में आते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, और आप देखिए कि पवित्र मां पर, पवित्र कुंवारी औरत पर परमेश्वर ने यीशु को कैसे भेजा। हालेलुया। लूका 1:26-38 के बीच में हम पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझिए, ध्यान से समझिए। मैं आज जो आपको वचन सुना रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, बता रहा हूं। आप चाहे चर्च आते हैं, अगर आपने इन वचनों पर विश्वास किया तो मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। आप कहेंगे कि मैं वो नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं, इस पाप में जीवन को आप जीते रहिए इस धरती पर, चाहे कितना पैसा हो आपके पास, चाहे कितनी दौलत हो। आपको पता है एक पक्षी जो है, जानवर जो है, उसका आरंभ होता है और उसका अंत है, क्योंकि पक्षी और जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती है, उसके बाद जीव और प्राण है, आत्मा नहीं है। आत्मा किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास जीव है, आत्मा है और प्राण है। हालेलुया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप कौन है? मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, ये आपकी परिभाषा है कि मैं एक आत्मा हूं। बोलिए मैं, सब लोग बोलिए मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। आमीन। इसीलिए जैसे ही इंसान का प्राण चला जाता है, जैसे ही वो मर जाता है, लोग उसका नाम नहीं लेते। लेते हैं नाम, नाम लाश को हटाओ, अरे लाश को निकालो एकदम। आपका बाप, आपका बेटा, आपकी बीवी रो रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी से आप निकले, बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं। जैसे ही आप चले जाते हैं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इमीडिएट आउट। नाम भी आप सोचिए कि आपने वसीयत दी, आपने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, वो बेटा आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है कि आप आत्मा हैं। लेकिन इब्रानियों 9:27 क्या कहता है? इब्रानियों 9:27 कहता है कि चाहे आप 80 साल के मरे, चाहे आप 90 साल के मरे, चाहे आप 100 साल के मरे, चाहे आप 120 साल के मरे, लेकिन मरने के बाद न्याय है। आप लोग ये मत सोचिए कि अरे 80 साल एंजॉय करेंगे, 90 साल एंजॉय करेंगे, बहुत पैसा है, उसके बाद न्याय है। बाइबल क्या कहती है सुनिए, 9:27 इब्रानियों पढ़िए बेटा, जल्दी से पढ़िए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का एक बार मरना, उसके लिए न्याय का होना निश्चित है, नियुक्त किया गया है, आपका न्याय होगा। और हम अपने आप को धरती पर रहते हुए पवित्र नहीं कर सकते, धरती पर रहते हुए पवित्र कौन कर सकता है? जो खुद पवित्र है, जो खुद सामर्थी है, जो खुद मृतों को जिंदा करता है, जो खुद भविष्य है, भविष्य देखता है, जो कल को जिसने बनाया है, कोई और नहीं कर सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता है, कोई संत नहीं कर सकता, कोई महासंत नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु कर सकता है।
क्योंकि वो आदमी औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ, वो मर के जिंदा हो गया है। इस धरती पर कोई ऐसा नाम नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप इस चीज को जानकर अंगीकार कर लेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, ये क्रिसमस आपको जीवित कर देगा। ये क्रिसमस आपको जीवित कर देगा। अगर आप चाहते हैं वो जीवन जो यीशु आपके लिए लेकर आया है, अगर आप चाहते हैं कि वो जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जिसका नाम इमैनुअल है वो आपके साथ हमेशा रहे, तो यीशु को स्वीकार करिए। यीशु को स्वीकार करिए, और कोई दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि उसके पास कारण है। वो आपके लिए मरा। कोई आपका दोस्त आपके लिए मरेगा? आपका पिता आपके लिए मरेगा? आपका बेटा आपके लिए मरेगा? आपकी पत्नी आपके लिए मरेगी? बोलिए अपनी पत्नी से कि मेरे लिए एक उंगली काटो। अपने पति से बोलिए, नहीं। और उसके मरने से क्या हुआ? आप आजाद हुए। हालेलुया। यीशु के मरने से आप आजाद हुए। क्या यीशु मसीह पापी था? नहीं। क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? नहीं। वो क्यों मरा? क्योंकि सजा हमने गलत काम किए थे, हमने पाप किए थे, वो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। और बाइबल बताती है कि जब वो यहां पर चाल मरने के बाद आत्मिक सामर्थ्य देह में वो 40 दिन यहां पर था, और तकरीबन 500 लोगों ने देखा, और जैतून पर्वत से वो सबके सामने उठा लिया गया। और जैसे यीशु मसीह सबके सामने उठा लिया गया, आज से 2023 साल पहले उसी समय दो स्वर्गदूत ऊपर से आए और उन्होंने कहा कि जैसे ये उठाया गया है वैसे ही आएगा। और वो आएगा किसके लिए? जो चुने हैं, जिनको बचाया है, जिसने अपना बनाया है, जिसको अपना नाम दिया है, उनको लेके जाने के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप में से कुछ हैं ऐसे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, और आज आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूं और अपना प्रभु मानूं, तो अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए। अगर अभी तक नहीं किया आपने, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तक पूरी तरीके से मैंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, अगर आपको लगता है कि मैंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, मैंने पूरी तरीके से पापों से मुक्त नहीं हुआ हूं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं अनंत काल का जीवन, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहे, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं आपको जीवन दे रहा हूं। मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया था। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना धर्म चेंज करिए, मैं ये कह रहा हूं यीशु मसीह को स्वीकार करिए। यीशु मसीह जो कि जीवन है, जिस दिन हम उसको स्वीकार कर लेंगे ना मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, बाइबल क्या कहती है, उसके पैदा होने से पहले भविष्यवाणी हुई और उसका नाम रखा गया इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ है। सब लोग बोलिए परमेश्वर। सब लोग बोलिए जो खड़े हुए, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। कोई पीछे भाई बहन नहीं है खड़े होने वाले? सबने एक्सेप्ट किया हुआ है? जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, हालेलुया, वाह, हिंदू शिकला दिए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना, अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए। जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलिएगा, अपनी आंखें बंद करिए, जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलिएगा। बोलिए, मैं एक पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं अपने पापों से खुद मुक्त नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मुझे उद्धार की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर मुझे पापों से मुक्त कर, मुझे श्रापों से मुक्त कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज ही तू मेरे दिल में आ, तू मेरा अधिकार ले ले, तू मेरे साथ रहे,
मुझे पापों से मुक्त कर, मुझे श्रापों से मुक्त कर, मुझे अपना बना ले, ताकि तेरी शांति मेरे अंदर रहे, तेरा आनंद मेरे अंदर रहे, मैं धरती पर रहते हुए स्वर्ग का अनुभव करूं, मैं धरती पर रहते हुए शांति का अनुभव करूं। प्रभु दया कर, दया कर, मैं आज अपने मन से, अपनी इच्छा से यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की। आमेन। जो से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, आज से आपका नया जन्म शुरू हुआ है मेरे भाई। मैं सच कह रहा हूं, छोटी बात नहीं है जो आपने अंगीकार की है, लेकिन इसकी अहमियत को समझिएगा। सिर्फ यही नहीं कि भावनाओं में बहकर आपने आज अंगीकार कर लिया, नहीं मेरे भाई, इसको विश्वास के संग अपने आप को अपने संग बलबाली लेके चलिए। हालेलुया। और हर संडे आपको कलीसिया में आना है ताकि आपको और ज्ञान मिले। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। आमेन। विश्वास करिए, विश्वास करिए और प्रार्थना में रहिए कि यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे जीवन में हमेशा जीवित रहे। क्योंकि अगर यीशु मसीह जीवित है तो हमारे अंदर अंधकार नहीं आएगा, अंधकार नहीं आएगा। जब तक, याद रखिए, हमारे अंदर यीशु है, कोई अंधकार नहीं आएगा। शैतान आपके अंदर कोई काम नहीं कर सकता है। कभी कभी आप बंधन में आ जाते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि मैं जो प्लानिंग की थी, मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ। कौन रोकता है आपकी योजनाओं को? कौन रोकता है? शैतान। परमेश्वर है जो आपके साथ है, और परमेश्वर आपको वो योजनाएं देगा जो आपके जीवन में सफलता का आशीष दूंगी। आप सोचिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं, अगर उसके अनुसार आप चलेंगे तो क्या होगा? क्या आप दुख का जीवन जिएंगे? यिर्मयाह 29:11। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, ये जो बाइबल है ये स्वर्ग से उतरी है, इसमें किसी आदमी ने नहीं लिखा हुआ है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखी गई है बाइबल। किसी आदमी ने नहीं लिखा इसको, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस बाइबल को लिखा गया है। इसका बाइबल का एक 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 वचन सत्य है, जितनी भविष्यवाणियां वो सच्ची हैं। इसलिए मैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, हालेलुया 29:11, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। एक साथ बोलिए, क्योंकि, 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 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की आगे कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं ध्यान से समझिए, जो योजनाएं, हालेलुया, आपके लिए योजना तो है, वो होगी कुछ। आपको, आपको परमेश्वर ने जीवन दिया, अपने आप तो नहीं आ गए आप, अपने आप आए क्या? परमेश्वर लेके आया। क्या आपके माँ बाप ने डिसाइड किया था कि अगले साल मेरे अंदर, मेरे घर में मिंटू होगा? हुआ? आप कर सकते हैं डिसाइड? कौन आप, कौन आपके घर में बच्चे लेकर आ रहा है? आप कोशिश कर रहे हैं, दे कौन रहा है? आमेन। तो जब परमेश्वर आपके घर में बच्चे दे रहा है, तो उसके लिए योजनाएं किसने बनाई है? परमेश्वर ने। हेलो, ठंडे पड़ गए आप। आपके लिए योजना किसके लिए बनाई है? परमेश्वर ने। आपके लिए योजना, आपके जीवन के लिए योजना किसने बनाई है? परमेश्वर ने। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो क्या कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो मैं जानता हूं। आगे बढ़िए बेटा, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। हालेलुया। जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वचन कहता है कि वो हानि की नहीं है। ध्यान दीजिए, बोलिए, वो हानि की नहीं है, वो नुकसान की नहीं है, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। इससे मेरा लाभ हो। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, और परमेश्वर कहता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। लेकिन लाभ कब होगा मुझे बताइए, आपसे, मुझसे बात करिए, आवाज मत करिए। लाभ कब होगा?
जब हम उसके अनुसार चलेंगे, जब उन योजनाओं के अनुसार चलेंगे। मान लीजिए आप पिता हैं और आपने अपने बच्चे के लिए वसीयत रखी है, 2 करोड़ की वसीयत आपने अपने बच्चे के लिए रखी है, हेलो, और आपने सोचा होगा कि वे 2 करोड़ मैंने कमाए अपने बच्चे के लिए, अब मेरा बच्चे को मैं ये बनाऊंगा, बच्चे से मैं ये कराऊंगा, बच्चा ये करेगा और वो करेगा, यानी कि आपने सोचा हुआ कि 2 करोड़ मैं अपने बच्चे को दूंगा तो बच्चे के लिए आपने योजनाएं बनाई है कि नहीं। लेकिन अगर बच्चा आपके अनुसार नहीं चलेगा, आप कहेंगे उत्तर जाना है, वो कहेगा नहीं मैं तो पश्चिम जाऊंगा। आप कहोगे दिन में काम करना, कहता ना रात को काम करूंगा। तो आपने जो योजनाएं बनाई हैं, क्या वो आपके बच्चे के जीवन में पूरी होंगी? क्योंकि वो उसके अनुसार नहीं चल रहा है। अगर आपका बच्चा आपकी बनाई योजना के अनुसार चलेगा तो 2 करोड़ का 10 करोड़ कमाएगा, आप कमा लोगे। लेकिन अगर वो आपके अनुसार नहीं चलेगा तो जो 2 करोड़ आपने कमाए हैं वो भी पानी में चले जाएंगे, है कि नहीं? हां के ना। इसी तरीके से अगर परमेश्वर ने वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं और वो हानि की नहीं है, लाभ की हैं, आपके जीवन में लाभ कब होगा? जब आप उन योजनाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। अब दूसरी बात, आप उन योजनाओं को जानेंगे कैसे? आप उन योजनाओं को जानेंगे कैसे? क्योंकि आपके अंदर अंधकार है, शैतान जानने नहीं देगा। शैतान आपको उन योजनाओं के बारे में जानने नहीं देगा। शैतान चाहेगा संसार में रहो, कष्ट सहते रहो, बीमारियों में रहो, समस्याओं के अधीन रहो, कभी इसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, शैतान यही चाहेगा। इसलिए जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे अंदर ज्योति लेकर आता है। क्या लेकर आता है? यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। तो यीशु मसीह ज्योति के रूप में हमारे अंदर आता है और तब हमारे अंदर से अंधकार निकल जाता है। हेलो, अंधकार निकल जाता है। आप अपने घर में रात को जाते हैं? हेलो, मुझसे बात करिए। अपने घर में जाते हैं रात को, अंधकार होता है? होता है अंधकार, हां के ना? होता है। आप एक स्विच जलाते हैं लाइट का, जैसे लाइट आती है अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? वो स्विच है। आपको अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम का स्विच डालना है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे अंधकार दूर हो जाएगा। फिर शैतान आपको रोक नहीं पाएगा, फिर शैतान आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, फिर शैतान आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह के साथ रहते हुए काम करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी। आपके जीवन में लाभ होगा। आप उत्तर जाएंगे, लाभ होगा। आप पूरब जाएंगे, लाभ होगा। पश्चिम जाएंगे, लाभ होगा। दक्षिण में जाएंगे, लाभ होगा। हर जगह जाएंगे, लाभ होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। जान गए यीशु कौन है? समझ गए यीशु की कीमत? हालेलुया। वो ज्योति है आपके अंधकार को दूर करने के लिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि जो सुख मुझे मिला वो मैं आपको दूं। मैं बॉलीवुड से हूं और 10 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, 10 फिल्मों का मैं हीरो रह चुका हूं और कई सीरियल मैंने डायरेक्ट की हैं, 4 एल्बम मेरी निकल चुकी है गाने की। मैं बॉलीवुड से हूं, मेरी पत्नी डांस डायरेक्टर रह चुकी है, 500 फिल्मों की डांस डायरेक्टर रह चुकी है मेरी पत्नी। आज जो आप देखेंगे डांस, वो मेरी पत्नी ने कराए हैं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह हम दोनों के जीवन में आया, हमने इंडस्ट्री छोड़ दी और हम आपकी सेवा में आ गए यहां पर। हम यहां सेवा कर रहे हैं। जितने हमारे भाई बहन यहां पहले से आते हैं, उनसे पूछ के देखिए, क्या हमसे कोई हम कुछ उनसे मांगते हैं? क्या हम उनसे कोई स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं? क्या हम उनसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल दो, मेरे घर का खाना दो?
पूछिए आप भाई बहनों से जिनके संग आए हैं आप, क्यों? क्योंकि मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा पिता जो सर्वव्यापी है, मेरा जो परमेश्वर है जिसने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, वो मेरे साथ है। और आप भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, यीशु को थाम लीजिए, यीशु को थाम लीजिए। मैं आपको खजाने की चाबी दे रहा हूं, मैं आज आपको खजाने की चाबी दे रहा हूं। इस बात को आप यूं ही मत लीजिएगा, मैं आपको खजाने की चाबी दे रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। ये 2024 जो आ रहा है ना, वो आपके जीवन में सफलता का आशीष लेकर आएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज मैं कुछ और बोलने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर बोल रहा है, मेरे द्वारा प्रभु बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। और इस पर विश्वास करिए, यकीन करिए। जिन्होंने भी उठकर ऑल्टर कॉल ली है, जिन्होंने भी लिया है, अंगीकार किया है, प्लीज हमारे साथ कलीसिया में आइए, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, ये ज्ञान मिलेगा, यीशु का आशीष मिलेगा। और विश्वास करिए, आप अद्भुत सुख पाएंगे, अद्भुत। आप में से ही लोग यहां खड़े होंगे और बोलेंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। और आने वाला वक्त, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत खराब है, आने वाला वक्त बहुत खराब है। आप देख रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत खराब है। इसलिए विश्वास करिए यीशु मसीह के नाम पर, वो आपको शांति देगा, वो आपको समृद्धि देगा, वो आपको बचाएगा शैतान से, और वो आपके अंदर ज्योति और सुख लेकर आएगा। विश्वास करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया। जो सुन रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, ये जीवन आपके लिए, संदेश आपके लिए। प्रभु में आइए पूरे के पूरे परिवार को साथ लेकर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।